तो राम के युग में ऐसा ही समय था, एक सभ्यता स्थापित करने की कोशिश थी। अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भेजना एक क्रूर चीज है। उस पीड़ा के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। कृष्ण लोगों से अलग तरह का व्यवहार करते थे। वे नियमों का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। युद्ध में उन्होंने बहुत चालाकी की, तो वे लोगों के साथ एक अलग तरह से व्यवहार करते थे। नमस्कारम सद्गुरु। भगवान राम और भगवान कृष्ण दो बहुत अलग तरह के लीडर थे। मेरी समझ में राम नियमों का पालन करते हैं, पर अगर अंतिम लक्ष्य सही है तो कृष्ण साधनों की चिंता नहीं करते। सद्गुरु, एक आधुनिक CEO को किसके सिद्धांत अपनाने चाहिए, राम के या कृष्ण के? ठीक है, मैं इस सवाल का आधार समझ गया। क्या मुझे नियम कायदों से चलना चाहिए या अपने अंतःकरण या चेतना के अनुसार चलना चाहिए? तो ये निर्भर करता है कि आप कैसी परिस्थिति में हैं और आपको कैसी भूमिकाएं निभानी हैं। देखिए, राम के समय पर हम दक्षिण भारत में उन्हें रामा कहते हैं, ठीक है? आप उनका नाम काट देते हैं राम। तमिलनाडु में वे रामन हैं, ठीक है? तो राम की बात करें तो वे नियमों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि तब समाज में ये बात हमेशा होती थी कि व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। तो राम वैसे युग में थे जब इस उपमहाद्वीप में कोई तय कानून नहीं था। तो ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि वे यहां व्यवस्था और सभ्यता लाना चाहते थे। तो उन्होंने हमेशा एक ही चीज की बात की, भले ही उन्हें पता हो कि वो जो कर रहे हैं वो क्रूर है। उदाहरण के लिए, अपनी पत्नी को फिर से दूसरी बार तब जंगल भेजना जब वे गर्भवती थीं। उन्हें पता था कि ये गलत है। एक पति के रूप में उन्हें पता था कि ये गलत है, एक व्यक्ति के रूप में ये गलत है, पर वे इसे इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं कानून स्थापित नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर राजा कानून स्थापित नहीं करेगा तो बाकी लोग निजी पसंद और नापसंद के अनुसार अपनी ही चीजें करना शुरू कर देंगे। तो एक स्तर पर ये बेहद सराहनीय बात है कि एक आदर्श प्रशासक बनने के लिए या एक आदर्श राजा के रूप में देखे जाने के लिए गंभीर व्यक्तिगत बलिदान देने को तैयार हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिससे सभी प्रेरित हों, क्योंकि आप एक सभ्यता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तब सब कुछ सभ्य नहीं था, वे कानून स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाइल्ड वेस्ट की तरह है, बिल्कुल वैसा नहीं है, पर कानून अस्पष्ट हैं, तो वे इसे बहुत स्पष्ट बनाना चाहते हैं कि जीवन को चलाने का ये तरीका है। By the time Krishna came, जब कृष्ण का युग आया तब सभ्यता स्थापित हो चुकी थी, अच्छे से स्थापित राज्य मौजूद थे। बिजनेस, जीवन, व्यापार और युद्ध कला के स्पष्ट नियम मौजूद थे, पर कुछ मुट्ठी भर लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे थे, उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ रहे थे और मनचाहा कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जब कानून मौजूद नहीं होता तो आपको उसके साथ एक तरह से बर्ताव करना होता है। जब कानून मौजूद होता है और हर कोई जानता है कि कानून क्या है, पर वे चालाकियां सीख लेते हैं, तब इसे अपराध माना जाना जरूरी है। तो आप अपराध फैलने पर क्या करते हैं और आप अपराधी के साथ क्या करते हैं? मैं फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति कानून के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि उसके मन में कानून की कोई समझ नहीं है। दूसरा व्यक्ति अपराधी है, वो जानता है कि कानून क्या है, पर वो जानबूझकर कानून तोड़ रहा है, ठीक है? केवल परिस्थितियों की मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि वो अपनी इच्छा से कानून तोड़ रहा है। तो कृष्ण का सामना ऐसे लोगों से हुआ। दू भाई, आपको पता है ना, दू हैं दुर्योधन और कंपनी। ये वे लोग हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि कानून क्या है, पर वे जानबूझकर कानून तोड़ रहे हैं।
तो बिल्कुल अलग तरह से उनसे व्यवहार करते थे, नियमों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से, कई बार चालाकी से भी। युद्ध में उन्होंने बहुत चालाकी की, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर नियमों से लड़कर उन्हें जीतने दिया जाएगा तो वे लोगों को एक न्यायपूर्ण शासन नहीं देने वाले। वे वही करेंगे जो वो चाहते हैं, ठीक है, चाहे जो हो, वे वही करेंगे जो वो चाहते हैं। वे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो वे उनके साथ एक अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये दो अलग अलग संदर्भ हैं, ये दो अलग अलग युग हैं। तो वहां हमें ये देखने की जरूरत है अपने युग के हिसाब से वे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, वे दोनों ही। इसी तरह हमारे युग के हिसाब से भी हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए। आज कानून 100% स्पष्ट है। आप अपराधी होकर ये नहीं कह सकते मुझे कानून समझ नहीं आता। आप जानते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे, ये दुनिया में एक बड़ी बात थी, तब फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा और उन सब का समय है। हम सब क्रांति क्रांति सोचते थे। भारत में चारू मजुमदार, कनु सान्याल और वे लोग, दक्षिण में सोमालू, हम उनसे सुपर प्रेरित थे और हम हथियार उठाकर संघर्ष करना चाहते थे। खैर, मुझे होश में आने में थोड़ा समय लगा। मैं लगभग उनसे जुड़ने वाला था, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त जुड़ गए, मैं कुछ हद तक गया, पर मैंने पाया कि वो संगठन भी उतना ही भ्रष्ट था जितनी की सरकार, तो मैं पीछे हट गया। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं, वो ऐसा समय था जब 60-70 के दशक की बात है, हम तब भी यही सोच रहे थे कि ये देश पूरी तरह नहीं बना है, पर अब इस देश का निर्माण पूरी तरह हो चुका है। All our business should be is to establish the constitution in everybody's minds and hearts. It's very important. हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सभी के मनों और दिलों में संविधान स्थापित हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी की खुशहाली वही है। अगर मैं अपना संविधान लिखूं और आप अपना संविधान लिखें, तो यहाँ कोई भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। अगर हम इस देश का सबसे बड़ा हित चाहते हैं और लोगों की सबसे बड़ी संख्या की खुशहाली चाहते हैं, तो हमें एक कानून से चलना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राम चले वैसे भी नहीं, क्योंकि राम अपने वचन से चले, कई बार न्यायपूर्ण नहीं भी रहे, बस वचन के अनुसार चले। वे कुछ लोगों के लिए बहुत कठोर रहे, क्योंकि वे एक कानून स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो काम अच्छे से हो गया है। अब हम न्याय को अधिक मानवतावादी तरीके से देख सकते हैं। हम कानून की किताब से मार्गदर्शन पा सकते हैं। आज हम कई तरीकों से यही कर रहे हैं। कुछ लोग दुर्भाग्य से इसमें शामिल नहीं हुए हैं, पर उनके अलावा देश की बड़ी आबादी दिशा निर्देश के लिए कानून की किताब ही देखती है और चाहती है कि मानवतावादी रीति से कानून लागू हो। यही कानून की पुस्तक का मकसद है। कानून की किताब लोगों का सिर काटने की मशीन नहीं है, ठीक है, पर एक स्तर पर ऐसा भी होता है। जब वाइल्ड वेस्ट में उन्होंने कानून स्थापित करने की कोशिश की, उन्होंने ये काम ऐसे किया, उन जजों को हैंगिंग जज कहा जाता था। इसका ये मतलब नहीं है कि वे लटके हुए थे, वे हर चीज के लिए फांसी दे देते थे, बस यूं ही। छोटे कस्बों में रोज फांसियां दी जाती थीं। कुछ 100 लोगों के कस्बों में रोज फांसी होती थी, ठीक है, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को लटकाया जाता था। तो फांसी फांसी फांसी, इस तरह से उन्होंने अपना कानून बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण, किसी देश या सभ्यता के साथ तब ऐसा होता है जब लोग बहुत कम समय में राष्ट्रीय पहचान या उस सभ्यता की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा लंबे समय तक चलता है तो ये बहुत कम क्रूरता के साथ हो सकता है, पर जब इसे बहुत ही कम समय में करने की कोशिश होती है तो बहुत ज्यादा क्रूरता होती है। इसे ही लोग क्रांति कहते हैं, इसे ही लोग कानून की स्थापना कहते हैं, या आप जो भी, पर जब हम इसे कम समय में करने की कोशिश करते हैं, आप दुनिया में जहां भी देखें, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना या रशिया हो, जहां भी उन्होंने कम समय में एक नई सभ्यता का निर्माण करने की कोशिश की, वहां ऐसा जबरदस्त क्रूरता के साथ ही हुआ। तो राम के युग में ऐसा ही समय था, एक सभ्यता स्थापित करने की कोशिश थी, पर वैसी जल्दबाजी में नहीं जैसी आधुनिक समय में दिखाई गई। उन्होंने समय लिया, इसलिए वहां उस स्तर की क्रूरता नहीं थी, पर क्रूरता थी। अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भेजना एक क्रूर चीज है, खुद के लिए बहुत क्रूर। ये सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चों के लिए ही क्रूर नहीं है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूर है। उस पीड़ा के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया।
वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपनी पत्नी को भेजकर खुद खुश रहते। उन्होंने अपने जीवन का हर पल उस दर्द के साथ जिया, पर उन्होंने फिर भी ये किया क्योंकि उनके लिए एक कानून स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण था। पर कृष्ण का युग अलग था, हमारा युग पूरी तरह से अलग है, तो आज हमें अपने मौजूदा समय के हिसाब से चलना चाहिए।